बच्चों, अभी तक हमने बात की कि जो नगरीकरण बढ़ रहा है उसके क्या क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे अभी बात की थी कि नगरीकरण बढ़ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा अभिशाप के रूप में है स्लम्स को बढ़ावा देना या स्लम्स का जो विस्तार हो रहा है गंदी बस्तियों का, तो सबसे पहले तो हमें ये उपाय करने चाहिए कि जिससे हम गंदी बस्तियों के विस्तार को रोक पाएँ। उसके लिए हम कुछ शासन को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे हम उस लेबर वर्ग के लोगों के लिए कुछ आवास का निर्माण करें और उन व्यक्तियों को या उस जनसंख्या को जो स्लम्स में निवास करते हैं उन्हें हम वहाँ पर शिफ्ट कर दें, जिससे हम गंदी बस्ती की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अब देखते हैं, इसके साथ ही साथ जो जनसंख्या का दबाव मुख्य नगरों पर बढ़ता जा रहा है, तो हमने देखा भी था और बात भी की थी कि जो बड़े बड़े महानगर हैं उनका विस्तार इतना अधिक हो गया है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ने से जो आसपास के कस्बे या छोटे नगरीय ग्राम हम कह सकते हैं वहाँ पर जनसंख्या जो है विस्तार होने से मुख्य नगरों का विस्तार उन क्षेत्रों तक हो गया है और वहाँ की जनसंख्या उन क्षेत्रों तक उस प्रशासकीय सीमा के बाहर उन नगरीय ग्रामों या बस्तियों तक फैल चुकी है। तो इसमें थोड़ी और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो भी मुख्य नगर हैं जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है या जो बड़े बड़े महानगर की हम बात करते हैं, तो उनसे लगे हुए उनसे संबंधित छोटे नगरों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे हम ये देखेंगे कि जो प्रमुख नगर या महानगर है वहाँ पर जनसंख्या का जो दबाव है थोड़ा कम हो जाएगा और उससे हम उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसका भी निराकरण हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं, साथ ही साथ नगरी जो सुविधाएं होती हैं, नगरी सुविधाएं जो आपको नगरों में मिलती हैं और जिसके कारण जो ग्रामीण जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र होता है, चाहे हम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात करें या हम शिक्षा के संबंध में बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि या तो ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में लोग जो हैं वो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं और या फिर शिक्षा के लिए जब उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो भी नगर जो हैं वो उनका प्रमुख आकर्षण होते हैं। तो जो भी सुविधाएं होती हैं जो नगरों में हमें उपलब्ध मिलती हैं या जो हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ, उन सभी सुविधाओं का जो विस्तार है वो हमें ग्रामीण क्षेत्र तक करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसी स्थान पर वो सुविधाएं मिल जाएंगी और वो नगरों की तरफ प्रवास नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रामीणों की सुरक्षा या हम गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं, जिससे लोगों के मन से जो भय और आतंक है वो ख़त्म हो जाए और वो नगरों की तरफ प्रवास ना करें। फिर देखते हैं हम जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनके लिए हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही जब हम उद्योगों की स्थापना कर देंगे तो वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ जाएंगे और विशेषकर जो हमारे भारतीय क्षेत्र में या हम भारतीय राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं जिसमें प्रतिस्पर्धा के कारण जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और वो हम ये कह सकते हैं कि लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब हम ये कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम उद्योगों की स्थापना करें तो उसका एक और फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे स्थानीय स्तर पर जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा और वहीं के लोग जो स्थानीय स्तर पर निवास कर रहे हैं उन्हें रोज़गार भी उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही साथ हम गाँवों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी जो विस्तार है वो कर सकते हैं। तो जब लोग स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का लाभ उठाने के लिए जो नगरों की तरफ आते हैं तो उससे जनसंख्या का दबाव जो है वो थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो उन्हें उसी गांव में ही ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएंगी। तो हम ये कुछ थोड़ी बहुत कोशिश है जिसको अपना कर हम नगरों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है उसे कम कर सकते हैं। बच्चों,
आपको ये पता है कि हमने बात की है कि 2011 जनगणना के अनुसार हमारी जो नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31.16% है, मतलब 31.16% जनसंख्या जो है वो हमारे भारत देश में निवास करती है। और भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक ये जो प्रतिशत है, ये जो संख्या है, वो बढ़कर 40% होने की संभावना है, या ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ये नगरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 40% हो जाएगा। तो हम जब देखते हैं कि अभी ही हमारे नगरों के ऊपर जनसंख्या का इतना अधिक दबाव पड़ता है, तो अगर ये प्रतिशत बढ़कर और अधिक हो जाएगा, लगभग हम कहें कि 8 से 9% जब ये बढ़ जाएगा, तो इन नगरों के ऊपर कितना अधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा। और जब जनसंख्या का दबाव पड़ेगा तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो हमने भी बात भी की थी कि आवास की समस्या, मूलभूत सुविधाओं की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रदूषण की समस्या, ये और कितना ही विकराल रूप जो है वो ग्रहण कर लेगी या धारण कर लेगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन या योजना तैयार की है, जो आजकल हम अक्सर सुनते हैं, चाहे हम न्यूज़ चैनल में देखें और सुने या हम न्यूज़पेपर में इसको पढ़ें, वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो नगरीकरण को बढ़ावा देना है, या शहरों को बढ़ावा देना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। और ये उद्देश्य जो है, इसके साथ साथ जब हम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे क्या चीज़ें होंगी, क्या बातें उभर कर आएंगी। भाई, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और हम बार बार ये बात भी कर चुके हैं कि नगरों की तरफ, शहरों की तरफ हम क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को वहाँ निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसे, उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, या उन्हें बेहतर सुविधाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में प्रदान की जाए, चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, हम राजनैतिक क्षेत्र की बात करें, या हम मनोरंजन के संबंध में बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चिकित्सा व्यवस्था की बात करें। तो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना। पहला तो कि शहरीकरण को बढ़ावा देना, और शहरीकरण को बढ़ावा देकर ऐसा नहीं कि भाई नगरों का बस हम विस्तार कर दें और जनसंख्या जो है वो अलग अलग समस्याओं से जूझती रहे। तो उन्हें नगरीकरण से होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं उससे निजात दिलाना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही जो भी नागरिक सुविधाएँ हमने कही कि जितने भी प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएँ हैं, तो इस मिशन का एक और प्रमुख उद्देश्य है कि नगर का जो आधारभूत ढांचा होता है, आधारभूत सुविधाओं से युक्त ढांचा जो होता है उस पर विस्तार किया जाए और नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, जिससे उन्हें एक उच्च जीवन स्तर यापन करने की सुविधा प्राप्त हो। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण जो बहुत अधिक फैल रहा है नगरीकरण के बढ़ने के कारण, तो इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है कि अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस उद्देश्य या हम इस मिशन के तहत ये कार्य योजना बनाई गई है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए जनसंख्या का दबाव, और जनसंख्या के दबाव से वाहनों का भी जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक छोटा सा प्रयास हम अपने आसपास देखते हैं कि आजकल जो व्हीकल है या वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उसका चलन बढ़ गया है, या लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, जिससे हम पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोक पा रहे हैं, या बहुत हद तक जो उसे इस माध्यम से हम कम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो प्रयास हैं पर्यावरण को साफ रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वो इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अब
इसका इस मिशन में एक और बात कही गई है कि जो भी नगर हैं, जो घनी आबादी वाले हैं, सघन जनसंख्या वाले हैं, उन नगरों को जो बाकी नगर हैं, मतलब जो विकास कर चुके हैं जो नगर और जहां पर बहुत अधिक सघन जनसंख्या निवास करती है, तो जब और नगरों का विकास किया जाएगा तो ये नगर जो हैं वो एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे और उन मॉडल नगर के रूप में जब ये कार्य करेंगे तो बाकी शहरों या नगरों के लिए ये एक लाइट हाउस या हम कह सकते हैं प्रकाश पुंज की भांति ये कार्य करेंगे। तो ये हो गया स्मार्ट सिटी मिशन, और हो सकता है इससे संबंधित आपसे 2 नंबर का प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाए, तो आपको इसके उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो उसका विस्तार बहुत अधिक है। यदि हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये फैली हुई है। जब हम इसके उत्तर से दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये 3,214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और जब हम इसके पूर्व से पश्चिम की तरफ के विस्तार की बात करें तो लगभग 2,933 जो है वो इसकी चौड़ाई है। पूरा इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है हमारे भारत का। जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल भाग से घिरी हुई है, वो 15,200 किलोमीटर, और जो इसका दक्षिणतम छोर है जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है या समुद्र से सटा हुआ जो हिस्सा है, तो जब हम समुद्री तट रेखा की लंबाई की बात करें तो ये 6,100 है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि भारत का विस्तार इतना है, चाहे हम उसके स्थलीय सीमा की बात करें या सागर से लगे हुए तटरेखा की बात करें या पूरे क्षेत्रफल का भी हम के बारे में भी यदि हम चर्चा करते हैं, तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है। और हमें पता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। बच्चों, आपको एक चीज़ इसमें पता होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में जो अनेकता में एकता मिलती है ना, उसके विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे कि इतना विशाल भारत का भूखंड है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग धर्म को मानने वाले, अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा को धारण करने वाले, धर्म जाति आधार पर तो विभिन्नता है ही। और अभी जैसा हमने देखा इसके विस्तार की जब हम बात किए, चाहे वो लंबाई की हो या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात हो, तो इसका विस्तार भी बहुत अधिक है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो स्थलीय भाग से लगा है और कुछ हिस्से इसके ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो बच्चों, अनेकता में एकता के विषय पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो विविधता वाली बात होती है और एकता, ये दोनों के ये जो दोनों ही बातें हैं ये परस्पर विरोधी ना होकर हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे? हम देखते हैं कि भारत में बहुत अधिक धरातली भिन्नता देखने को मिलती है। इस विशाल भूखंड का पूरा उत्तरी हिस्सा, हिमालय पर्वत जो है वो एक ताज की तरह हमारे भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है ना, और इसका विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। हम इसके नीचे आ जाएं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है, फिर हम आते हैं उससे नीचे तो हमारे प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है, और जब हम पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये समुद्री तट से लगे हुए हिस्से हैं, तटीय भाग हैं, या यहाँ पर जो भी राज्य हैं वो समुद्र तटीय राज्य हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पश्चिमी हिस्से में राजस्थान का विशाल मरुस्थल देखने को मिलता है।
तो हम क्या देख रहे हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं डेल्टाई हिस्सा है, कहीं मरुस्थल है। तो इतनी सारी भिन्नता हमें देखने को मिल रही है। और जो ये जो धरातलीय भिन्नता है, हम सभी को पता है धरातलीय भिन्नता जो है वो हमारी जलवायु में भी भिन्नता लेकर आती है। इसके साथ ही हमें ये चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है, है ना। तो नीचे का जो हिस्सा है वो आपका उष्णकटिबंध में आता है और उत्तरी जो हिस्सा है वो शीतोष्णकटिबंध में। तो जलवायु में भिन्नता देखने को मिलेगी विस्तार के साथ साथ, क्योंकि पर्वतीय हिस्से की जलवायु जो है वहाँ का मौसम अलग ही होगा, तटीय क्षेत्र का मौसम अलग ही होगा, है ना। वहाँ पर हमें सम जलवायु वाली, ना बहुत अधिक गर्मी ना हमें बहुत अधिक ठंड देखने को मिलेगी। मरुस्थल जो है वो एकदम उष्ण और शुष्क क्षेत्र होगा। तो जलवायु में हर जगह के भिन्नता मिलेगी धरातलीय भिन्नता के आधार पर। लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये बात भी पता है कि जो हमारा हिमालय स्थित है वो तिब्बत के पठार से आने वाली जो शीत लहर है उससे हमारी रक्षा करता है। अगर उत्तर में ये हमारा ताज की तरह हिमालय विद्यमान नहीं होता तो पूरे साइबेरिया की तरफ से जो आने वाली शीत लहरें हैं उसकी चपेट में हमारा पूरा भारत आ जाता। और इसका दूसरा महत्व इस बात पर भी है कि जो मानसूनी हवाएं, हमको पता है कि हमारा भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है और यहाँ की जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। तो अगर ये हमारा हिमालय पर्वत नहीं होता तो दक्षिण की तरफ से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो आपके उत्तर भारत के हिस्से में वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि अभी जब हिमालय स्थित है तो इन हवाओं के क्षेत्र में ये एक रुकावट का कार्य करता है और मानसूनी हवाओं को वहीं पर रोक के वर्षा कराता है। लेकिन अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये जितनी भी मानसूनी हवाएं हैं वो हिमालय को पार करके, या हम ये कहें कि हिमालय अगर नहीं होता तो वहाँ से ये पार निकल जाती तिब्बत के पठार की तरफ, और पूरा उत्तर भारत जो है वो एक विशाल मरुस्थल के रूप में होता। तो आप सोचिए कि इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, हम जब धरातलीय भिन्नता की बात कर रहे हैं, और जब धरातलीय भिन्नता है तो जलवायु में भिन्नता है, और जलवायु में भिन्नता मिलेगी तो नेचुरली है कि हमें वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। कि पर्वतीय क्षेत्र में हमें कहीं कोटधारी वन मिल रहे हैं, हम तटीय क्षेत्रों में चले जाएँ तो हमें सदाबहार वनस्पति देखने को मिलेगी, हम पठारी क्षेत्र में चले जाएँ तो यहाँ पर हमको पतझड़ वाले वन देखने को मिलेंगे, और जब हम मरुस्थल में चले जाते हैं तो हमें कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो वनस्पति में भी साथ में हमें भिन्नता देखने को मिल रही है। और नेचुरली है कि हर जगह जो है वर्षा की मात्रा अलग है, तापमान अलग है, तो कृषि में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। कहीं पर हम मोटे अनाज जो हैं वहाँ का प्रमुख उत्पाद हैं, कहीं पर जहाँ अधिक वर्षा हो रही है तापमान भी अधिक है वहाँ पर चावल वहाँ का जो है वो प्रमुख उपज है, और जहाँ पर थोड़ी कम वर्षा हो रही है, एवरेज वर्षा होती है और एवरेज तापमान हो रहा है, वहाँ पर गेहूँ जो है वो प्रमुख उत्पाद के रूप में हमें मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं, कृषि में भी हमें भिन्नता देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हम पता है हमें कि पूरे भारत भूखंड में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो निवास करते हैं, जिनकी वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, वो अलग अलग धर्म को मानते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद हमने देखा कि धरातलीय भिन्नता उसे एक विशिष्ट भौगोलिक व्यक्तित्व प्रदान कर रहा है हमारे भारत को। मतलब धरातलीय संरचना में विविधता तो है लेकिन वो उसका संपूरक हो गया कि ये हमारे भारत को एक विशेष जो है भौगोलिक व्यक्तित्व के रूप में दिखाता है, या उसे एक अलग ही व्यक्तित्व का इसका प्रदर्शन करता है। साथ ही हम देखेंगे कि पूरे भारत में जब हमने जलवायु की बात की तो जलवायु अलग अलग है, कहीं शीत जलवायु, कहीं उष्ण और शुष्क जलवायु, है ना, कहीं सम जलवायु,
इन सभी के बावजूद हम देखते हैं कि हमारे भारत में मानसूनी जलवायु जो है वो हम सर्वव्यापक मान के चलते हैं, या हम ये कहें कि मानसूनी जलवायु जो है या मानसून के द्वारा हमारी कृषि का ये जो भारत में जो कृषि की जाती है तो संपूर्ण भारत की कृषि का ये आधार है। तो हमने विविधता देखी जलवायु में, लेकिन संपूरकता उसमें क्या हो गई कि वो पूरे भारत में मानसूनी जलवायु जो है वो सर्वव्यापक है, या हम ये कहें कि पूरे भारत की कृषि का आधार है। और जब भारतीय मानसून जो है वो भारत की कृषि का आधार है तो वो पूरे उसके अर्थव्यवस्था को भी निर्धारित करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे राजनैतिक एकता तो मिलती ही है हमें, और साथ इसके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की जब हम बात करते हैं तो वो भी कूट कूट के हमारे पूरे भारत देश में भरा हुआ है कि हम कहीं भी, हमने जो बात की कि अलग अलग जाति धर्म भाषा सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्रों को हम देखेंगे, लेकिन सभी जो हैं सब में एक आपसी सौहार्द्र संभाव की भावना जो है वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ ये इसीलिए हम अपने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म को हर भाषा को मानने वाले लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो स्वतंत्र रूप में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये दिखाती हैं कि हमारे भारत में बहुत सी विविधताएं, हर क्षेत्र में विविधताएं होते हुए भी ये एकता को प्रदर्शित करती है, या हम ये कहें कि विविधता और एकता के जो तत्व हैं वो दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, ना कि एक दूसरे से अलग या विभिन्न हैं, वो दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये हो गई भारत में विविधता में एकता।